हाय गाइस, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल। दिस इज काजल सिंह। आज हम अपने वर्कआउट ट्रिक का पार्ट 20 डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है रेडिएंट। रेडिएंट की मीनिंग होती है ब्राइट एंड ग्लेयरिंग। और इसे आप याद कैसे करेंगे, तो आपको रेडिएंट को रेडियम से रिलेट करना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि रेडियम जो होता है वो चमकता है, तो रेडिएंट रेडियम और चमकना। इसके यूसेज देख लेते हैं। द ब्राइड लुक्ड रेडिएंट एज शी वॉक्ड डाउन द आइल। हमारा सेकेंड वर्ड है बोवाइन। बोवाइन की मीनिंग होती है स्टूपिड। इसके सिनोनिम्स हैं डल एंड सॉटिस। तो जो लोग बहुत सारी वाइन पीते हैं वो लोग स्टूपिड ही होते हैं, क्योंकि वाइन पीना आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा होता नहीं है। एक लिमिट में पीना चाहिए, और अगर आप ज़्यादा पी रहे हैं दैट्स मीन कि आपको सेंस नहीं है और आप क्या हैं, स्टूपिड हैं। तो बोवाइन मीन स्टूपिड। आपको रिलेट करना है बोवाइन, बहुत सारी वाइन। इसके यूसेज देख लेते हैं। व्हेन माय डॉटर डज नॉट वांट टू डू समथिंग, सी ऑलवेज कंप्लीट्स द टास्क इन अ बोवाइन मैनर। हमारा वर्ड है बर्जन। बर्जन की मीनिंग होती है विकास करना तेजी से, ग्रो और डेवलप रैपिडली। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, अगर आप इसे रफली पढ़ें तो लास्ट वर्ड जो आ रहा है बरगांव, गांव वर्ड आ रहा है। तो जो गांव है आजकल के, सिविलाइजेशन हो रहा है और उनका विकास तेजी से हो रहा है। तो बरगांव को आपको याद करना पड़ेगा कि जो दूर के गांव है उनका विकास तेजी से हो रहा है। तो इस तरीके से आप बर्जन को याद कर सकते हैं। और इसके यूसेज हैं द बेस्ट बिजनेस डिसीजन विल अलाउ अ कंपनी टू बर्जन एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स। हमारा फोर्थ वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट की मीनिंग होती है शांत करना, और इसकी सिनोनिम्स हैं सूथ एंड क्वाइट। आप इसे याद कैसे करेंगे, तो आपने जब भी देखा होगा कि बेबीज रोते हैं तब उन्हें शांत करने के लिए हमें एनिमल्स की पिक्चर्स दिखानी पड़ती है, या फिर कोई वीडियोस दिखाना पड़ता है, फनी वीडियो या फिर एनिमल का वीडियो। तो बस आपको रिलेट करना है कि प्ले प्लस कैट, यानी कि बेबी को शांत करने के लिए जब हमने वीडियो प्ले किया कैट का, तब बेबी शांत हुआ। तो आप ये वर्ड याद रख सकते हैं। और इसके यूसेज देख लेते हैं। आई डोंट नीड यू टू प्लेकेट मी। हमारा लास्ट वर्ड है डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन की मीनिंग होती है लापरवाही। इसके सिनोनिम्स हैं अनकेयरिंग। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, अगर हम इसे लेट करें, डेरिलिक्शन देरी से लिखना, डेरिलिक्शन देरी से लिखना। तो ट्रिक है कि एग्जाम में देर से लिखने वाले लोग लापरवाह होते हैं। तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। और इसके यूसेज हैं वी थिंक देयर वॉज डेरिलिक्शन इन द सेटिंग ऑफ द ब्रिक। तो फ्रेंड्स, ऐसे पांचों वर्ड और उन्हें याद करने की ट्रिक। अब आप जल्दी से हमने जो क्वेश्चन फुल क्रिएट की है उसे अटेम्प्ट करें। आपको राइट साइड पे जो आई सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक करें और हमारा जो क्वेश्चन पोल है उसे जरूर अटेम्प्ट करें। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द सेशन सो प्लीज थम्स अप, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्लीज शेयर। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।